हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे iOS 13.2.3 के बारे में। और फ्रेंड्स, यह iOS 13.2.3 रिलीज हो चुका है। और फ्रेंड्स, इसकी जो साइज़ है 95.1 MB। तो फ्रेंड्स, इसको विदाउट वाईफाई कैसे अपडेट करना है और इसके अंदर क्या हमें अपडेट्स दिए गए उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए। और सेटिंग में जाने के बाद आप क्या कीजिए, जनरल और सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर लीजिए। आपको iOS 13.2.3 का अपडेट मिला है नहीं, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं iOS 13.2.3 का हमें अपडेट मिल गया है। और सबसे पहले इसके अंदर जाके देखते हैं लर्न मोर के अंदर हमें क्या इसमें अपडेट्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर बताया गया फिक्स एन इशू विद वेयर सिस्टम सर्च एंड सर्च विद मेल फाइल्स एंड नोट्स माई बी नॉट बी वर्क। अगर आप कोई मेल वगैरह सर्च करके वर्क नहीं कर रहा था तो वो सारे अपडेट्स उसके अंदर किए गए हैं। एड्रेस एंड इशू वेयर फोटोज लिंक्स एंड अदर अटैचमेंट मे नॉट बी डिस्प्ले इन मैसेज डिटेल व्यू। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, अगर ज़्यादा ही आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे लर्न मोड में जाके आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हमें जो मेन सॉफ्टवेयर अपडेट करना है फ्रेंड्स उसके बारे में बात करेंगे। और तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे मोबाइल की सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद हमें जनरल, और जनरल में जाने के बाद हमें डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में फ्रेंड्स हमें सेट ऑटोमेटिकली को ऑफ करना है। और जैसे आज डेट 24 नवंबर हो रही है तो मैं इसे 24 दिसंबर करता हूँ, ओनली डेट चेंज करनी है, टाइम को कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो मैं इसे 24 दिसंबर कर चुका हूँ। और फ्रेंड्स ये जो ट्रिक है आइडिया और वोडाफोन पे वर्क करेगी, बाकी किसी पे वर्क नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स उसके बाद स्क्रीन पे चलते हैं वापस, डेट चेंज करके आप देख सकते हैं 24 दिसंबर हो गया। और अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, आप देखेंगे जनरल और सॉफ्टवेयर अपडेट। तो देख सकते हैं हमारा डाउनलोड इंस्टॉल पे क्लिक आ चुका है, इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसे क्या करना है, टैप करना है डाउनलोड इंस्टॉल और जो अपना पासवर्ड है वो एंटर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अपना मैंने पासवर्ड एंटर कर लिया। और इसके अंदर आपको एक मैसेज शो होगा डिस्प्ले पे, डाउनलोड ओवर मोबाइल इफ़ यू डाउनलोड द अपडेट यूर मोबाइल नेटवर्क एंड एडिशनल यूजेस फी। मतलब जो आपका डेटा चार्जेस है वो लगेगा, तो आपको इसे कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करने के बाद एस्टिमेट टाइम रिमेनिंग बताएगा कितना टाइम लगेगा आपको अपडेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 45 सेकंड्स रिमेनिंग बता रहा है। और इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड है, अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी तो फ्रेंड्स ये फटाफट डाउनलोड हो जाएगा। 95 MB की है और फाइल है। और सभी मोबाइल के अंदर अलग अलग साइज हो सकती है, आईफोन 7 के अंदर भी अलग हो सकती है, आईफोन 8 के अंदर भी अलग हो सकती है। तो एक ही मैं बता सकता कि 95 MB की हो सकती है, किसी में छोटी साइज भी हो सकती है। अपने देखते हैं 42 सेकंड्स बता रहा है, 40 सेकंड और डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, ये प्रिपेयरिंग अपडेट के लिए टाइम लगेगा। और फ्रेंड जो अपडेट दिया गया वो एक सिक्योरिटी अपडेट है, डेफिनेटली आपको iOS 13.2.3 अपडेट करना चाहिए डेफिनेटली। और जल्द से जल्द अपने अपने डिवाइस को iOS 13.2.3 में अपडेट कर लीजिए, iPhone 11 Pro है जो भी हैं जो iOS 13 सपोर्ट कर रहे हैं उन डिवाइस को। फ्रेंड्स देखते हैं 16 सेकंड, 14 सेकंड और 31 सेकंड खत्म हो गया हमारा डाउनलोड। और फ्रेंड्स अभी प्रिपेयरिंग के लिए टाइम लगेगा, प्रिपेयरिंग के लिए काफ़ी टाइम लगता है, प्रिपेयरिंग अपडेट के लिए जितना डाउनलोडिंग में समय नहीं लगता उतना प्रिपेयरिंग के लिए लगता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसे पॉज करता हूँ एक बार और थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा काफ़ी समय लग रहा है प्रिपेयरिंग अपडेट होने के लिए और काफ़ी टाइम लगेगा। फ्रेंड्स बात करता हूँ, अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने फ़ोन को 100% चार्ज करके करिएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के लिए 50% बैटरी चाहिए। 50% अगर बैटरी नहीं है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, डाउनलोड भी हो जाएगा प्रिपेयर भी हो जाएगा लेकिन इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 100% बैटरी चार्ज करके रखिएगा, 80% जहाँ तक भी हो उसके बाद ही कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा क्योंकि होगा नहीं आपका इंस्टॉल। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है iOS 13.2.3। और इसके लिए फ्रेंड्स देख सकते हैं दिस अपडेट रिक्वायर्ड एटलीस्ट 50% बैटरी टू बी कनेक्ट टू पावर सोर्सेज। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो 100% चार्ज करके, क्योंकि इसके अंदर बैटरी 50% नहीं है आप देख सकते हो, तो इस कारण से ये नहीं हो रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई भी iOS 13.2.3 के रिगार्डिंग या जो भी आपके कोई भी क्वेश्चन है अगर पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हो, मैं उनका कमेंट में आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।